भैया आ जाओ साइड लेना इधर साइड दबाओ इंद्र जी। हाँ ये वो भैया वो भाई मेडिकल ले जा रहे हैं ना ये कंफर्म है और यहाँ कहाँ कराते हैं कलर को रोहित वहाँ आप देख रहे हैं पहले चल हाँ रोहित भैया बस तुरंत कट करिए पेशी के बाद वापस ले जाया जा रहा है और आगे की तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए आगे जो है भाव विचलित नहीं दिखाई दे रहे थे मुक्ता अंसारी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्योंकि वो बांदा जेल में निरुद्ध हैं अन्य मामलों में तो उनका 167 का वारंट इस केस में बनवाने के लिए वारंट भी भेजवाया था जो 267 CRPC में प्राविधान है उसके तहत जिला जज महोदय ने उनको आज तलब किया था। आज सुबह करीब 10:30 बजे उनको पेश किया गया और उनका 167 में वारंट बनाया गया। उसके पश्चात ED वालों ने उनको ED की कस्टडी के लिए आवेदन किया जिसको माननीय जिला जज महोदय ने दिनांक 23/12/22 को 2 बजे तक के लिए ED की कस्टडी में प्रदान किया गया है और सारे सुरक्षा गार्ड लगाए गए हैं। अधिवक्ताओं को भी अनुमति प्रदान की गई है कि वो अधिकर्ताओं से अपने बात कर सकते हैं जिसके लिए 4 अधिवक्ता नामित किए गए हैं। आप लोगों तक कुछ विरोध भी किया गया? विरोध ये किया गया कि हम लोगों को जब दूसरे जेल में बंद है उनसे पूछताछ की जा सकती है और इसमें ना कोई रिकवरी होनी है कोई ऐसी बात नहीं है तो इसमें पुलिस कस्टडी या ED की कस्टडी का कोई सवाल नहीं है लेकिन जिला जज महोदय ने जो उचित समझा उसके अनुसार उन्होंने आदेश पारित किया है। हाँ ED के जुड़े मामले में उनका 167 का वारंट बनाया गया फिर उनको पुलिस ED की कस्टडी में दिए जाने का 10 दिन का समय दिया गया। ED अपना पूछताछ जो कुछ करे दिनांक 23 तारीख को ला करके 2 बजे तक उनको पुनः न्यायालय में दाखिल करना उसके बाद फिर जो अग्रिम आदेश होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। परीक्षण से बाहर लाया जा रहा है उसको और ये माना जा रहा है कि अब उसको इनकी जो टीम है अपनी कस्टडी में लेकर के यहाँ से रवाना होगी। इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि माफिया मुख्तार अंसारी को यहाँ से ED की टीम लेकर के रवाना हो रही है। इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है कि माफिया मुख्तार अंसारी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भारी सुरक्षा बल के साथ उसको कोर्ट में पेश किया गया और अब यहाँ से लेकर के रवाना हो रही है। हालांकि मुख्तार अंसारी
अंसारी गाड़ी में जा रहा है। मुख्तार अंसारी के वकील हमारे साथ मौजूद है, ये बताए बैठो भाई जल्दी बैठो थोड़ा। अंसारी को भाषा जेल से लाया जा रहा है, लाया गया था उसी वैन में दोबारा बैठाया गया और अब यहाँ से ले जाने की तैयारी की जा रही है। अभी ये जानकारी कोर्ट से नहीं मिल पाई है कि रिमांड कस्टडी रिमांड मंजूर हुई है कि नहीं, लेकिन अब देख सकते हैं वैन का दरवाजा यहाँ पर बंद हो गया। रास्तों का बैरिकेड सुबह ही कर दिया गया था, बड़ी संख्या में सिविल पुलिस ने लगाई गई थी। ये देखिए ईडी की गाड़ी सबके आगे से पुलिस को समझ आया हुई थी ना हो किसी तरीके से।